बताओ थे सजी धाजी के मेकअप करके सुघर लागेलू लेकिन मैं सब कहते सुपर लागेलू सुघर लागेलू लेकिन मैं सब कैसे सुपर लागेलू कि जब महरी एलू जब महरी लेके तिरछिन नजरिया हो हसल करा जब महरी लेके तिरछिन दोस्तों एक खुदा का दिया हुआ पाक नाम है, इसके मतलब होता है पवित्र। लेकिन ए पाकिस्तान, नाम तुम्हारा है पाक और काम नापाक करते हो, तो अपनी आदत से बाज आ जाओ, क्योंकि मेरी औकात क्या है ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि जितनी तुम्हारे देश की जनसंख्या है ना, उतना तो हमरे यहाँ राम रहीम आसाराम बापू का चेला हुवन। अगर इन हनिन के छूट दे दिहल जा तो उमरिया सारे तोने का रेप करके मुआ ढरियन, फौजिन भाई के लड़ने का जरूरत ना पड़ी। तो पाकिस्तान पर हुकूमत करने वालों कान खोल कर सुन लो, तो
तुम्हारी औकात क्या है हम तुम्हें अभी बताते हैं। गजल का अंदाजवा मास्टर कैसे? कौनो लड़की कौनो लड़का के आवारापन देख के कहले बा कैसे हो कैसे बेशर्म आशिक है ए आज के है आज के इनको अपना बनाना गजब बिधा गया Yeah!
छोड़ देते, क्योंकि कश्मीर भारत के जिगर का टुकड़ा था, है और रहेगा। तुम भूल जाते हो तो हार तुम्हारी ही होती है, लेकिन अगर भूल गए हो तो हम तुम्हें अच्छी तरह से याद दिला दे रहे हैं। कैसे? जौहरी शहर का अंदाज बा। सन 65 यार 71 करगिल में तू था हारा, तेरी हरकत का पापी अब होगा वारा न्यारा। उत्तर प्रदेश बादह में एक गांव है न रही नहमी, थे वही के रहने वाले दीपक यहाँ दोस्तर नामी। सुत सुघर सलोना रंगनी हो गया फौज में भर्ती, लमहर छर हर यर फर हर चीता के जैसी फुर्ती। झांसी मौरानी पुर्की कंचन संग ब्याह रचाया, छुड़ गया जंग सरहद पर घर पर परवाना आया। अरे बाबू, यहीं से कहानी का शुरुआत होत बा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के अंदर एक ठे गांव पड़ेला, जौने गांव का नाम बतावल गईल नरही। वही नरही का रहे वाला दीपक यादव जो एक किसान थे, उनके गोद में भगवान तीन थे औलाद दहले रहलन, दुई लड़का और एक लड़की। बड़ा लड़का का नाम रहल रंजन, जौन बचपन से उनकर सपना रहल कि हम बड़ा हो के बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर के अपने देश का सेवा करब, फौज में भर्ती हो। अरे बाबू, रंजन का सपना साकार भइल, फौज को नौकरी पा गईलन, ड्यूटी करत हुवन। आ देखा जब केहू अच्छे ओहदे पर हो जाला मास्टर साहब, तो ओकर शादी बदे बढ़िया बढ़िया रिश्ता भी आवे लगेला। एक दिन पिता दीपक यादव अपने बेटा रंजन के ड्यूटी के दौरान फोन कैलन कि बेटा तोहर शादी झांसी मऊरानीपुर के कंचन नाम के लड़की से तय हो गई बा, छुट्टी लेके चलिया बा। अरे बाबू, रंजन 2 महीना का छुट्टी लेके घरे आइलन, खुशी खुशी शादी संपन्न भइल। लेकिन शादी के 5वें दिन बाद सरहदे हिंद से ये खबर आ गई कि सभी जवानों की छुट्टी निरस्त कर दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया है। अरे बाबू, रंजन फौजी लगना तैयारी करे हुआ सरहद पर जाए बदे, देखा वो 5 दिन का दुल्हन आई, झटके में देखलस कैसन हमार सैया वर्दी वर्दी कसत हुआ, जाके कलस की कहीं मतलब तैयारी बा सरहद पे गई ले काका, और वो इतना जल्दी कलन। हाँ, खबर आ गई बा जनता बाड़ू की फौजिन का जिंदगी देश के नाम लिखाइल बा, तो उनका एक पैर घरे रहेला और एक पैर सरहद पर रहेला। कलस की सैया, आप 2 महीना का छुट्टी से आए रहला है, फिर 5 दिन के मुलाकात में इतना जल्दी कैसे छुट्टी निरस्त हो गई? वाह रे रंजन फौजी, अपने दुल्हन का चेहरा अपने हाथ में लेके बड़ा प्रेम से समझावत हुवन, और उनके आँख में अपने दुल्हन के आँख में आंसू देख के एक थे बात कहलन। कवन बात? गीत बदल गई। लड़की के मचलत जवानी देख के का कहले बा कि अरे रखिया करानी तू हार,
बढ़िया रहता अशुआ से रानी तू हर काहे के आंख बढ़िया है इन रहता तू दुल्हन कहत बा खुशहाल कैसे रहिए पलहम हो कि मन भग राइन रहता जीवन जवानी हमर देशवा प्रधान हो दिनवा बितैहा गोरी रही के मगन हो छुट्टी का चिंता बा लेकिन हम ए देश का चिंता बा सुना जौने दिन ई स्टार आ टोपी मिल जाला ना वही दिन ई जान ई जवानी ए देश के नाम लिखा जाला अरे तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुम्हारे मांग का सिंदूर इस वतन की रखवाली करता है लेकिन प्रेम में डूबी उस दुल्हन को बात समझ में नहीं आती है तब रंजन फौजी अपनी दुल्हन को डांट कर कहता है क्या कि नाकैद मोहब्बत में होकर अरे नाकैद मोहब्बत में होकर एक कायर जैसा काम करो तुम एक फौजी की दुल्हन हो आंसू से ना बदनाम करो सिंदूर से बढ़कर सरहद है अरे सिंदूर से बढ़कर सरहद है सरहद से जुदा सिंदूर नहीं तेरे पहलू में पार है एक फौजी को मंजूर नहीं इतनी बात सुन के कंचन दुल्हन अवाक थोड़ी देर के बाद कलश की स्वामी मुझे माफ कीजिए मैं भूल गई थी एक पल के लिए कि आप इस देश के लिए बने हो बस हम आपका आरती उतार लें आप शौक से सरहदे हिंद बजा रंजन मुस्कुरा देहलन कलन अच्छा ही बतावा हम वापस लौट के आई तो तुहरे लिए का लेके आई कंचन दुल्हन कलश जवन मांगब तवन देबा तवन लिए बा कलन अरे पागल मांग के तो देखा तो देखिए वो दुल्हन कंचन एक दुल्हन के दिल के उद्गार को देखिए अपने फौजी पति से क्या मांगती है गीत बदल गई
देखा कौनो दुल्हन का दुल्हा एहू जमाने में भक्चोर निकल गई। कहो सुहाग रात को के पता है ना बेचारी चढ़ल जवानी लेके एकदम परेशान बा। लगल ढोवे तो कहलस का कि अरे पहली राती पायल दुर्गा दूसरी राती माली हो आहाई तीसरी राती झुमका झुलनी तुरला हाली हाली हो अरे नहीं हरे अपना देह ओ रहा नवा राजा जी नहीं हरे अपना देह ओ रहा नवा राजा जी कि मजा मारे ने तुरला हो मजा मारे ने तुरला माए माए कहनवा राजा जी लेकिन देखिए वो दुल्हन क्या मांगती है अम्मा जी के साड़ी चाहिए बापूजी के घड़ी हो स्वामी हमार सिंदूर सरहस से सही सलामत वापस आ जा ऐसे ज्यादा हम का मांग सकीला। रंजन कहलन बड़ा अनमोल तोहफा मंगलू है और पूरे परिवार गांव जवान से जब विदा लेके चलन तो अंतरान कहना बा विदा कैले गांव वीर पढ़ले अगाड़ी इसके सहना वासे चली भैली गाड़ी पहुंचता है ड्यूटी लग जाती है ड्यूटी करता है लेकिन खुफिया विभाग से पता चला कि कुछ आतंकवादी बंकरों में छुपे हुए हैं। जब ये खबर रंजन फौजी के लगल बाबू अपन सेना सजा के और दुश्मन की तरफ चल देले बात भइल का भाव लगल
उसे उड़ा दिया। कि बम से उड़ा दिया हाय बंदर को नहरी, बम से उड़ा दिया हाय बंदर को नहरी। अरे लेके जवानन का टोली हो छूटे ना दल तना दल बोली हो छूटे ना दल। बंकरों को नष्ट करके जवान सब जब वापस आते हैं तो देखते क्या है कि अरे वापस जवान आईले रंजन आईले। अब भाई ल शहीद सब लोग घबराईले सवा धरतिया पर हाय देश का जवानवा, सवा धरतिया पर देश का जवानवा। अरे खेल गईना फुलावा होली हो छूटे लागल दाना दाने गोली हो। सभी जवान वापस आए लेकिन रंजन का कहीं पता नहीं चला, न रंजन मिला न रंजन की लाश मिली। हार मानकर भारत सरकार रंजन को मृत घोषित कर दिया कि रंजन फौजी शहीद हो गए हैं। उनकी पुरानी वर्दी और टोपी उनके घर भिजवा दिए। जब पूरा परिवार के बाबू ई मातम खबर मिलल बा तो जैसे लगल पूरा परिवार के ऊपर पहाड़ टूट गई। काहे न हो खे बाबू, अगर केहू के परिवार का माशूत आदमी ये दुनिया से चल जाता ओ परिवार पर का बीती। जब ई बतिया के 5 दिन का आयल दुल्हन कंचन के पता चलल, आज जब अपने सैया अपने फौजी पिया का वर्दिया या टोपिया देखलस तो हथवा में लेके आ रो रो के एक ठे बात कहलस। कौन बात? गीत बदल गई। दर्ज बड़ी पुरानी बा लेकिन कहां भाव छुपलवा में कि अरे बाबू दरोगा जी कौन गुनहिया बनहला पियावा मोर। लेकिन बाबू वो दुल्हन जब अपने फौजी पिया का वर्दी टोपी देखलस तक रो रो के कहत बाका कि हमरे सैया हो हमरे सैया हो हम लगा के गईला कवनीदार हमरे सैया हो हमरे लगा के गईला कवनीदार हमरे सैया हो।
बतावत बा कि पेट के अंदर पलक बा हमरे सुनीला प्यार तुहार दुलहिन रो रो के उ टोपिया वर्दिया लेके कहत बा कि स्वामी आप पांच दिन के मुलाकात में आपके प्यार के निशानी हमरे पेट में पल रहल बा अब इनी संसार में भी नहीं आइल ओकरे पहलवो अनाथ हो गई अगर इस संसार में आई जब एकर पैदाइश हुई हमसे पूछी कि मम्मी हमार पापा के बा हमार पापा कहाँ हुवन तो हम कवन जवाब देव हो राम अरे बाप रे बाप इतना कही कि धड़ से बेहोश होके गिर गई जब होश आयल बात है अपना सासू माई के आंचल में मुँह छुपा के रो रहल बा आ रो रो के एक के बात का लश्का रोवे आ भागिन धई के सासु कया चरिया भैया सासु कया चरिया हो फूटल करमा मार जी कि जिंदगी बीरान भैली बिना रे से नुरावा माई बिना रे से नुरावा हो नैया टूटल पता वार जी दस लाख रुपया मिली मिलली खबरिया भैया मिलली खबरिया हो दीपक के पाप भैसा वार जी बाबू सरकार ने घोषणा किया कि शहीद फौजी के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी जब ये बात का पता रंजन के पिता दीपक यादव के लगल तो बाबू उनके अंदर लालच एवं पाप समा गए सोचत हुन कि अगर ये 10 लाख रुपया लेके हमार पतोहिया फरार हो जाए तब तो बड़ा अनर्थ हो जाए तो उहे कहावत हो गई कि बेटौओ हाथ से गई और रुपियो हाथ से गई तो देखिए वो पैसे का लोभी ससुर दीपक यादव करता क्या है तेरी में भाव लगल कि अरे पापी का पागल भैले मनवा निष्ठुर नीच ससुर के तनिक मोहना लागल निष्ठुर नीच ससुर के तनिक मोहना लागल पापी के पागल भैले मनवा का कैलस दीपक यादव ससुर एक दिन रात के समय जब सब केहू खा पी के सूत जलाए बाबू आधी रात को गद्दार कंचन के पास पहुंचल और अपने हाथ से ओकरे गर्दन के दबावे लगल जब कंचन का नींद खुलल बाबू कंचन रो रो के कह रहल बा कि बाबूजी
हमार जान काहे मारत है, हमार गलती कौन बा, रो रो के कैसे कहत बा। गीत बदल गई। कि अरे गंगा जी कै, गंगा जी कै ऊंची बा, अररिया नू जेह पर बैठे भगवान। लेकिन वो कंचन दुल्हन अपने जान का भीख अपना ससुर से मांगत बा, का कहला कि अरे जिन दाबा हमारी मौरिया नू हो बाबू बिनती हमार। हमरा के चाही नहीं अरे अनधन सोनावा, आहोते भोरे चली जाइबा छोड़ी के भवनावा। नहीं हो रे मैं खेबा उमरिया नू हो बाबू बिनती कंचन कह रहल बा कि बाबूजी हमार जान मत मारा, हमके रुपया पैसा ना चाहिए, हमार जान छोड़ दा, हम कल सबेर होता अपन नैहर चल जाए, ई घर छोड़ के वही अपन जिंदगी बिताई, कबो आपके दरवाजे पे ना आई, बाबूजी हमार जान मत मारा। लेकिन वाह रे पैसे का लोभी, कमीना ससुर दीपक नहीं मानता है और करता क्या है बनल बहू के कातिल, ससुर गुमनिया पनिया बरसेला। अरे बनल बहू के कातिल, ससुर गुमनिया पनिया बरसेला, अपूल से फेंका गंगा में अभिमनिया पनिया बरसेला। कमीना ससुर नहीं माना, आखिर उस बेचारी कंचन की गर्दन को दबा ही दिया, कंचन बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में पूरा परिवार मिलकर गंगा नदी में ले जाकर उसको फेंक देते हैं। यहाँ की बात यही छोड़े, धीरे धीरे वक्त गुजरत बा और वक्त बीतत बीतत 20 साल का वक्त निकल गई। तो 20 साल के बाद भइल का कि अरे 20 साल के बाद में रंजन पाक से भरवा आइले हो, और सब आइल कंचन ना आइली, नैना रतन लगवले हो। अरे बाबू उधर रंजन पाकिस्तानी कैद से जब अपने बांदा जिला के नरही गांव में आइल बा, तो पूरा गांव में एक खुशहाली बा कि रंजन जिंदा हुवन। घर पहुंचलन पूरा परिवार भी खुश बा कि हमार बेटा जिंदा हुवन। लेकिन आवाज भी हुवन कि भारत सरकार कुछ और कहले रहल है। सब लोग जुटल बा, सबके आंख में खुशी का आंसू बा, लेकिन रंजन के नजर तक केहू और के ढूंढत बा। जब कंचन के ना देखलन तो कहलन का हमरे अइले का जानकारी कंचन के ना हका। जब इतनी बात रंजन का पिता दीपक यादव सुनन तो कहलन किए बेटा ओकरे हाल पूछत हुआ, ओकरे बारे में जनबा कि उ कवन गुल खिला के गइल बा,
तुहरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाई। का कहलन कि अरे मौत का तुहरे पाके खबर पपिनिया पनिया बरसेला, मौत का तुहरे पाके खबर पपिनिया पनिया बरसेला, केहू साथ ले भागल सोना पनिया पनिया बरसेला। दीपक कहलन की बेटा जब तुहरे मौत का खबर सुनलस त तुहरे तेरे ही तक का भी इंतजार ना कैलस, और का कैलस कि 10 लाख रुपया आ जितना गहना जेवर जेवरात रहल सब के लेके और कौनो अपने आशिक के साथे फरार हो गई। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बतिया रंजन फौजी सुनलन हो बाबू, सच में जैसे लगल कि करेजवा फट जाई, जैसे लगल सच में कि पैर के नीचे से जमी खिसक जाई। सुजत हुमन वाह रे जमाना, वाह रे दुनिया का विश्वास, और वाह रे पति पत्नी का विश्वास, केहू के करो प कैसे भरोसा करे, क्यों लौके भरोसा के लायक नहीं। तो कहलन का सोचत बालन का कहलन, अरे यही देशवा में हो सा विद्रिसीता रहली भैया, धर्म का पता का गई जग में सोच के रंजन का मन दुखित हो गई। दुनिया के मोह माया से रंजन का मन भंग हो गई और घर द्वार छोड़ देता है, दाढ़ी जटा बढ़ाकर जोगी बन जाता है, जोगी बन के भिक्षा मांगने लगा और एक दिन घूमते घूमते पहुंचा कहा, घूमत घूमत आईला पर यहाँ गदर में नावा, कुंभ का नहान करब दिल में गईला यहाँ, अरे रेला रेला ये बाला बिहल चाहे जनावा, दौड़ करके जोगी लिया जनावा बचा। बाबू 2019 का कुंभ प्रयाग में लगा था, रंजन के मन में आई कि
कुंभ का स्नान कर ले, स्नान करके रेलवे लाइन पकड़ के चला जा रहा है। तब तक देखता है कि एक नौजवान लड़की रेल की पटरी पर खड़ी अपनी जान को देना चाहती है और सामने से रेल आ रही है। तब तक रंजन की नजर पड़ी और दौड़ करके देखिए उस रंजन जोगी के अंदर फौजी भाव जाग गई और जा करके उस लड़की के बांह को खींच करके और एक चारा जोरदार उसके गाल पे मारा और कहा कि अरे पागल लड़की क्यों अपनी जान देना चाहती है। लड़की रोवे लगल कलस की बाबा हम काहे बचौला छोड़ दा हम ना जियल चाहत हैं हम मैं मर जाएगा। जोगी रंजन कलन बेटा बात क्या है बताओ क्यों मरना चाहती हो आखिर तुम्हारी जिंदगी में क्या कष्ट है। तब रो रो के वो लड़की बतावे लगल कि बाबा जानल चाहत हुआ कि हम काहे अपन जान देते हैं तो सुना हमार मम्मी बतावे ली कि जब हम अपने मम्मी के पेट में रहली हमार पापा एक फौजी रहलन जेकर नाम रंजन रहल सरहद पर शहीद हो गइलन उनकर लसियो ना मिलल। भारत सरकार घोषणा कर देहलस कि शहीद के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जब ये बतिया के हमार दादा जेकर नाम दीपक यादव रहल जोन बांदा जिला के नरही गांव का रहे वाला रहलन जब उनके ही मालूम पड़ल तो 10 लाख रुपया के लेके उनके अंदर लालच समा गई और रुका कैलन कि हमरे मम्मी का गला दबा के ले जाके नदी में फेंक देलन। लेकिन भगवान का महिमा देखा ओ नदी में कुछ मल्लाह मछली मारत रहलन और जाके हमरे मम्मी के बचा लेलन अपने गांव लेके गईलन हमार मम्मी का इलाज करौलन मम्मी हमार ठीक हो गईली। धीरे धीरे समय बीतल वो मल्लाहन के बीच में झोपड़ पट्टी डाल के हमार मम्मी रहे लगली। कुछ दिन के बाद हम पैदा भेली सयान भेली शादी करे लाग भेली शादी भी तय हो गई। लेकिन जौने दिन बारात आवे वाली रहल ना बाबा तब बरतिया ये कही के लौटा दियल गई कि हम क्यों ना जायज औलाद है हम केहू का ना जायज औलाद है। तो बाबा एमे हमार और हमरे मम्मी का का गलती बा बाबा एमे हम जान ना दे तक का करें। अरे बाप रे बाप जब ये तनी बतिया रंजन सुनलस आवाक आंखों से आंसू छलक पड़ा सोचने लगा कि वाह वाह हमार बाबूजी हमसे कितनी बड़ी गद्दारी कैलन हमसे कितना बड़ा झूठ बोलन। आंसू पोंछ के कहने लगा कि अच्छा बेटी ये बताओ तुम्हारी मम्मी का नाम कंचन तो नहीं। वो लड़की कलस की हाँ बाबा हमरे मम्मी का नाम कंचन ही बा लेकिन ये बतिया आपके कैसे पता बा। तब ओ जोगी कहने लगा कि मैं तुम्हारी मम्मी का नाम कैसे जानता हूँ जानना चाहोगी तो ले चलो मुझे अपने घर तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। अरे बाबू वो लड़की का कलस ओ जोगी के अपने घर लेके आई बा कलस की बाबा यही झोपड़ी में बैठा हमार मम्मी केहू के घरे मजदूरी करत हैं जात हैं बोला के लिया होते हैं। वो लड़की चल देलस अपना मम्मी के बुलावे आ इधर रंजन जोगी सरंगी लेले हुवन और भजन गावत हुवन याद करत हुवन कि जब हम फौजी रहले जब हम सरहद पर ड्यूटी बदे जात रहले तो हमार दुल्हन हमसे कहा मंगले रहली यह सोच सोच के रोवत हुन आ कहत हुन कैसे यह कहलन कि अरे अम्मा जी के साड़ी चाहिए बाबूजी के घड़ी हो आ देवर के मोबाइल चाहिए नानदी के कड़ी हो लेकिन हमरा खातिर तने बा निहोरवा राजा जी।
बिहन मंगले रली कि हमरा खातिर तने बा निहोरवा राजा जी सिंदूर भर ले आइहा सिंदूर भर ले आइहा सरहद से सिंहरावा राजा जी। अरे बाप रे बाप, जब ये भतिया कंचन के कान में पहुंचल केहू के घर में बाबू मजदूरी करत रहली दौड़ के पगलाइल भागल एली और रंजन के जोगी भेष में देख के पहचान गेली। रंजन से लिपट के रोवे लगली खली के स्वामी कहाँ रहला है इतना दिन, कहाँ रहला है इतना दिन। अरे बाबू आज 20-22 साल के बिछड़े हुए दो दाम्पत्य 20-22 साल के बाद जब मिले तो अश्कों की धारा बह निकली। इतना रोए कि सारा गम आंसुओं में बह गया। तब तक उन लड़की जौने का नाम रिंकी रहल माई के खोज के आयल माई के पैबा ना कैलस आयल देखलस कि माई केहू से लिपट के रोवत बा जाके कलस कि मम्मी देखी ना तू जेही के होला वही से अपन दुख रोवे लगेलू। अभी जोगी बाबा हमने के का दुख कटिहन जब विधाता हमने के तकदीर में दुख लिखी देले हुआ। इतनी बतिया सुन के कंचन आस पोस के कलस कि बेटा ई कौन जोगी ना रे बेटी ई जानल चाहत हो के बा कैसे कहलस खड़ी में भावा कि अरे जी भर के तू ले जी भर के तू ले दा निहार बिटिया जी भर के तू ले दा निहार बिटिया ते जोगी भेसवा में बाबूजी तू आर बिटिया। बेटी जेके तू जोगी मानत हो जोगी ना बेटी ओ जोगी ना रे पगली वह तोर फौजी बाप रंजन होन। अरे बाप जब इतनी बतिया कंचन सुनलस जाके अपने पिता के गले से लग के झरझर झरझर रोवे लगल और कहत बा का कि अरे पापा पापा कही के रिंकी लगी के रोवे सिनवा अरे रंजन भी अरे सब ही आइल बाबा के मजार बिटिया त जोगी भेसवा में बाबूजी तुहार बिटिया। अरे बाबू अपने बेटी अपने बेटी और अपने पत्नी के बाकी रंजन बड़ा खुश भेलन सोचत हुवन कि कुंभ नहैले का फल भगवान हमें तत्काल दे दिहलन। यही लिए कहल जाला कि जे सच्चे मन से भगवान का भक्ति करेला ओके निश्चित ही ओकर बढ़िया फल मिलेला। का कहलन अपन पत्नी और अपन बेटी के लेके अपने बांदा जिला नरही गांव में पहुंचलन। पूरा गांव देखत बा सब अपने में गुसमुसाहट बतियावत बा कि ई दीपक कहत रहल हन कि पतोहिया हमार कौनो के लेके फरार हो गइल बा तब बतावा जे भाग जाई तो मुश्किल ह कि आवे। का कहलन जब घरे पहुंचलन पूरा परिवार रंजन के देख के तो खुश भइल लेकिन कंचन के देख के अवाक कलनरी ये जिंदा बा के तो हमने मार देले रहली है। रंजन अपने पिता और अपने परिवार का हालत देख के भांप गेलन उनके दिल का हाल। कलन आप लोग आश्चर्य में मत पड़ा
आप लोग चिंता मत करा, हम आप लोगन से कौनो शिकायत ना करब। लेकिन हमरे दिल का एक ठे सवाल बा। कवन सवाल? कि दशरथ जी राम खातिर अरे देई दिहल जनवा, अरे पैसा दे दे बाबू अपन खो दिहल आई मनवा। तहाई सर्विस का भी पैसा बा तुहार बिटिया, जोगी भेसवा में बाबूजी तुहार बिटी। रंजन कहलंस की बाबूजी एठे उहो बिता रहलन राजा दशरथ, जे अपने बेटा राम के 14 वर्ष के वनवास के गम में अपन प्राण त्याग देलन। और एठे तू बिता हुआ जौन पैसा के लालच में पैसा के खातिर अपन खून से गद्दारी कैला, फिर 10 लाख रुपया कोने और की बात। हाई हमरे सर्विस कभी पैसा रखला कुछ ना हमके चाहिए। अहे बाबू, जब इतनी बात दीपक यादव सुनलन उनके अपनी गलती पर पछतावा होत बा, पछतावा की याद में रोवत हुवन, जलत हुवन, पश्चाताप करत हुवन, कहत हुवन कि बेटा माफ कर दा हमके, बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई। रंजन कहलन ना बाबूजी, वैसे भी हमने तुहरे बदे मर चुकल लली हैं, अब हमने यहाँ ना रह। हाई पैसा ला हमरे सर्विस का, हाई जितना जमीन जायदाद हमरे हक हिस्सा का जौन घर रल है, यहू के लेला हम ना रह भी हाँ। दीपक लाख गिड़गिड़ात हमन रोवत हमन, लेकिन रंजन मानने को तैयार नहीं है। देखत देखत ना रह गई कंचन दुलहिन के, तो जाके रंजन से कलस अपने पति से कि कहो तुहरे शरम ना लगत या, एक ठे पिता होके तुहरे पैर पर गिर के माफी मांगत हुवन अपने गलती का, गिड़गिड़ात हुवन और तू कैसन बेटा होगी देखत हुआ। जाके अपने ससुर के आंख से आंसू पोछ के कलस के बाबूजी रोवा मत, वो मान जइहन, हमने कहीं ना जाल जाई आपके छोड़ के। अहे बाबू, इतनी बतिया सुन के दीपक फफक के रो पड़लन और कलन की बेटी हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी गलती तो माफी के लायक नहीं है। जब हाथ पतोही के आगे जोड़न छट से हाथ पकड़ लहलस कंचन कलस ना बाबूजी, एक ठे बाप अपने बेटी के आगे हाथ जोड़ई बड़ा शर्म का बात बा। देखिए ओ दुल्हन फिर से उस परिवार को एक करके, और वो परिवार खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगा। यही कहानी विराम लेती है, लास्ट लाइन में कहना अम्मा कि गुरु बिहारी गुरु गणेश हो गया जमाना कैसा, अरे